Good morning, students. How are you all? My name is Rajdeep Raghuvanshi, and today we will learn addition. In math, we will learn addition. In the last lecture, I have shown you how to count the object and how to add the objects. है ना, मैंने लास्ट जो लेक्चर था हमारा एडिशन का, उसमें हमने क्या सीखा था, ऑब्जेक्ट्स को कैसे ऐड करके उनको काउंट करके हम बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेरे पास कितने हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे। अभी हम जो है वो एडिशन में आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम नंबर से एडिशन करेंगे कि कैसे हम नंबर से एडिशन कर सकते हैं डायरेक्टली। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट अब हमको डायरेक्टली बोल दिया कि हमको 2+3 को ऐड करके बताना है कि टोटल कितना हुआ, है ना, टोटल कितना हुआ, इसी को एडिशन कहते हैं। हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को मिलाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे पास 7 आइसक्रीम स्टिक्स हैं, मैंने उसमें 1 आइसक्रीम स्टिक ऐड कर दी, तो हाउ मेनी आइसक्रीम स्टिक्स आई हैव, तो मैंने 7+1 किया था और टोटल नंबर बताया था। तो वहां पर ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास, अब यहाँ पर क्या है, डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं। सो आपको नंबर्स पहचानना आना चाहिए कि ये कौन सा नंबर लिखा है और ये कौन सा नंबर लिखा है। सो टेल मी व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज दिस नंबर, व्हिच नंबर इज दिस, दिस इज नंबर 2, 2, व्हाट इज दिस, दिस इज द साइन ऑफ एडिशन, दिस इज द साइन ऑफ एडिशन। एडिशन के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस, है ना, इस टाइप से, वन स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन, दिस इज प्लस। ओके, सो ये प्लस का साइन है, तो आप सबको पता है। सो 2+3 इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू है, बराबर, जैसे हम हिंदी में कहते हैं। तो 2+3 इक्वल्स टू हाउ मेनी, व्हाट इज द टोटल। हम कैसे करेंगे इसको, अब हमारे पास टू डिजिट्स हो गए, तो हम क्या करेंगे, हम लाइंस खींच लेंगे। अब मैंने कहा 2, तो मतलब कितनी लाइंस मुझे ड्रॉ करनी है, 1, 2, हाउ मेनी लाइंस डू आई ड्रॉ, 1, 2। अब यहां पर है नंबर, कौन सा नंबर है ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, दिस इज नंबर 3। सो हाउ मेनी लाइंस डू आई ड्रॉ हियर, टेल मी, यस आई विल ड्रॉ 3 लाइंस, 1, 2, 3। अब मुझे कहा 2+3, मतलब 2+3, तो मैं क्या करूंगा, मैं काउंट कर लूंगा। जैसे हमने ऑब्जेक्ट काउंटिंग में किया था, हमारे लिए इजी हो गया ना, तो ऑब्जेक्ट काउंटिंग में जैसे मैंने किया था, तो मैं काउंट करूंगा 1, 2, 3, 4, 5। सो हाउ मेनी, व्हाट इज द टोटल, व्हाट विल बी द टोटल, 2+3=5, 2+3=5। हमने क्या किया, हमने लाइंस ड्रॉ की डिजिट्स के नीचे, जैसे 2 लिखा है उसके नीचे मैंने लाइंस ड्रॉ की और मैंने काउंट कर लिया। आप साइड में भी लिख सकते हैं, है ना, जैसे अब मैं वर्कशीट्स आपको दूंगा, तो अगर वर्कशीट में उस डिजिट के नीचे जगह नहीं है तो आप साइड में भी लाइंस बना सकते हैं, ऐसे पेज के ऊपर बना सकते हो, 1, 2, है ना, 1, 2, 3, फिर काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5। सो टोटल हो गए 5, है ना, टोटल क्या हो गया, 5 हो गया। नाउ दिस इज 3, 3, एड 3, क्या 3+3, हाउ मच, 3+3=2, तो व्हाट यू विल डू, अगेन यू विल ड्रॉ द लाइंस, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब सब लाइंस को काउंट कर लो टोटल एक साथ, कैसे काउंट करेंगे, हम क्रॉस करते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाउ मेनी लाइन, हाउ मच, व्हाट विल बी टोटल, व्हाट विल बी टोटल, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो 3+3=6, 3+3=6। यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स ऑल्सो, यू नो, can count on your fingers also, जैसे 3+3, या on single hand, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे भी आप count कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सॉल्व करिए. व्हाट इज दिस, विच नंबर इज दिस? 1 + 2. इट्स वेरी इजी, 1 + 2. सो हाउ मेनी लाइंस डू आई ड्रॉ हियर? हाउ मेनी लाइंस आई हैव टू ड्रॉ? 1 लाइन, क्योंकि 1 है यहां पर. सो 1 लाइन. अब यहां पर 2 है तो कितने लाइन बनाऊंगा? हाउ मेनी लाइंस डू आई ड्रॉ हियर? 2 लाइंस. 1 2, काउंट कर लो, 1 2 3. तो टोटल हो जाएगा नंबर 3. अब 6 + 3, व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर 6. दिस इज नंबर 6. 6 + 3 इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू साइन. याद रखना है ना, ये इक्वल्स टू का साइन है. मैंने पूछा कि ये कौन सा साइन है, तो आपको बताना पड़ेगा. ये इक्वल्स टू का साइन है, ये एडिशन है. ये 6 है, ये 3 है. सो रिमेंबर दी नंबर, रिमेंबर दी यू नो चार्ट ऑफ योर नंबर काउंटिंग का. 1 to 50 काउंटिंग याद होनी चाहिए सभी को. सो 6 को 3 से ऐड करो. सो हाउ मच, सो क्या करेंगे हम? वी विल ड्रॉ दी 6 लाइन. 1 2 3 4 5 6. 6 लाइंस, यहां 3 लाइंस. 1 2 3. अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो टोटल हो गया 9. 6 + 3 = 9. 6 + 3 = 9. 6 + 3 = 9. Number 9. You can count on your fingers also. Yes. Now tell me, what is this? This is again 3. 3 plus, which number is this? Which number is this? Tell me, this is number 4. Yes. So what we will do? We will draw the lines. 1, 2, 3. 4 के लिए 1 2 3 4. नाउ काउंट. अब काउंट करो और मुझे बताओ कितना होगा. 3 + 4 कितना होगा? लाइंस को काउंट करो और मुझे बताओ. चलो मेरे साथ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7. Yes. So 3 + 4 = 7. 3 + 4 = 7. Now this is number 4. Up, 1 2 3 4 lines. 5 ke niche 5 lines. 1 2 3 4 5. Now count. 4 + 5 = 2. So 4 + 5. 4 + 5. So 1 2 3 4. 5 6 7 8 9. So 4 + 5 = 9. 4 + 5 = 9. Our fingers, you can raise your both hands like this. You can count. So at your right hand, at your right palm, make 5, and at your left palm, make 4. So 4 + 5. So 4. 1 2 3 4. Now 5 6 7 8 and 9. So how many? What is the total? 9. 4 + 5 = 9. 4 + 5 = 9. Yes. Now we will do the last one. This is 3 + 4. So what we have to do? We have to draw 3 lines under 3. 3 lines. 3 ke niche banana. Aur 4 ke niche. Kitni lines banaoge? 4 lines. 4 ke niche 4 lines. 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7. सो हाउ मच, व्हाट विल बी द टोटल? व्हाट इज द टोटल? 7. 3 + 4 = 7.
ओके ऑलरेडी वी हैव डन 3+4, ठीक है फिर से रिपीट कर लिया। सो ऐसे आप एडिशन सीख सकते हैं। तो मैं आपको वर्कशीट्स दूंगा, है ना, तो ऐसे ही आपको वर्कशीट्स में 2+3 या इस टाइप से नंबर्स लिखे होंगे। अभी हम सिंगल डिजिट के एडिशंस कर रहे हैं, यहाँ पर सिंगल सिंगल डिजिट है ना, 2+3, 3+3, 1+2, 6+3, 4+5, 3+4, तो ये सिंगल डिजिट्स है, है ना। तो हम सिंगल डिजिट्स के अभी एडिशन सीख रहे हैं। एडिशन मतलब जोड़ना। अभी पहले ऑब्जेक्ट काउंटिंग सीखा था, है ना, ऑब्जेक्ट्स को जोड़कर हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताए थे। अब हमने नंबर्स को काउंट किया और बताया, तो हमने स्टिक्स बनाई और उनको काउंट करके हमने बताया टोटल नंबर कितना हुआ। ओके, तो ऐसे आप भी घर पे प्रैक्टिस कीजिए। वर्कशीट मैं आपको दूंगा, तो इस वर्कशीट में आपको लाइंस ड्रॉ करनी है पेंसिल से और फिर उनको काउंट करके आंसर्स लिखने हैं, टोटल कितना हुआ वो। ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे।